हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज अनीश और आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर सिर्फ 10 सेकंड के अंदर किस तरह से फाइंड किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, किसी भी नंबर का स्क्वायर सिर्फ 10 सेकंड के अंदर। इसे फाइंड करने की एक सिंपल ट्रिक है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, तो ये वीडियो आखिर तक ध्यान से देखते रहिएगा। पहले तो ये कुछ नंबर है 11 से 30, इनका स्क्वायर यूजुअली सबको पता होता है और नॉर्मल से नंबर है। अगर इसका भी स्क्वायर आपको पता नहीं तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अभी आपको एक ट्रिक से सारे नंबर के स्क्वायर आने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में एग्जाम्पल के लिए मैं एक नंबर लेता हूँ 43। तो इस ट्रिक के लिए नीचे तीन लाइन मारिए। लास्ट के नंबर का स्क्वायर लास्ट के नाइन के नीचे, 3 का स्क्वायर आता है 9 और पहले नंबर का स्क्वायर पहले लाइन के नीचे, 4 का स्क्वायर आता है 16। फिर नीचे बीच में वाली लाइन के तीनों नंबर का मल्टीप्लाई, तीनों नंबर मतलब 4, 3, 2, 4 2 12, 12 2 24, तो 24 के 4 इधर और 2 कैरी इधर, तो 9 के 9, 4 के 4 और 16 प्लस 2 18। और ये जो नंबर आया है वो है 43 का स्क्वायर। और एक अगर एग्जांपल लूँ तो मैं ले रहा हूँ 27। फिर से एक बार तीन लाइन, 7 का स्क्वायर 49। इस बार आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ आपको इधर 9 लिखने के और 4 जो है वो कैरी लेने के। फिर पहले नंबर का स्क्वायर 2 2 4 और वापस से तीनों का मल्टीप्लाई, 7 2 28, 7 2 14, 14 2 28, 2 कैरी इधर और 8 कैरी इधर, 9 के 9, 8 प्लस 4 12 और 12 का 1 कैरी इधर, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7, और ये 7 29 आया है, वो है 27 का स्क्वायर। और अगर मैं एग्जांपल लूँ तो लेते हैं थोड़ा बड़ा एग्जांपल 73। फिर से एक बार हमारे तीन लाइन, 3 का स्क्वायर आता है 9, 7 का स्क्वायर है 49, फिर बीच में तीनों का स्क्वायर 7 3 21, 21 2 42, 9 के 9, 2 के 2 और 49 प्लस 4 जो आता है 53। इस तरह से हमने 73 का भी स्क्वायर फाइंड कर लिया। और एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ मैं, और एक ट्रिक है, इससे आप 50 के आसपास के नंबर के स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। लाइक 51 का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, 52 का, 53 का, 50 के आसपास के। इसके फाइंड करने की एक सिंपल ट्रिक है, और 50 का स्क्वायर आता है 2500। अगर आपको 51 का स्क्वायर फाइंड करने का है तो 51 50 से एक ज़्यादा रहता है, इस वजह से 25 प्लस 1 26, और 1 का स्क्वायर 1 जो इधर लिखेंगे, या आया 51 का स्क्वायर। और एक एग्जांपल लेते हैं लाइक 53, ये 50 से 3 ज़्यादा है, तो 55 प्लस 3 जो आते हैं 28 और 3 का स्क्वायर 9 जो इधर पे। और एक अगर एग्जांपल लेंगे तो लेते हैं अभी थोड़ा बड़ा 57, ये 50 से 7 ज़्यादा है, तो 55 प्लस 7, 25 प्लस 7, 26 27 28 29 30 31 32, तो 32 के 32 इधर और 7 का स्क्वायर 49 वो आएगा इधर, ये हो गया 57 का स्क्वायर। अगर आपको ये ट्रिक समझी नहीं तो और एक ट्रिक है, अगर आप पिछले वाले ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक अगर आपको 49 का निकालना है तो 9 का स्क्वायर आता है 81, तो 1 और 8 कैरी इधर, 4 का 16, 4 9 4 24, 24 9 4 32, 32 2 64, तो 64 के इधर 1 4 और 16 प्लस 6 जो आते हैं 32 और 22 शायद। और एक अगर और एक आपको ट्रिक बताना चाहता हूँ, वो ट्रिक शायद आपको पता होगी लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। जो नंबर 5 से डिविजिबल 5 के टेबल में आते हैं, लाइक 25 35 75, उनका स्क्वायर भी आप एकदम इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसके ट्रिक है कि 5 का लास्ट के नंबर का स्क्वायर है वो 25 एज इट इज लिखने का है, और जो पहला नंबर है उसके आगे का नंबर से उसको मल्टीप्लाई करने का, तो आते हैं 3 6, ये आ गया 25 का स्क्वायर। सिमिलरली लास्ट के नंबर का स्क्वायर 25, 3 के आगे का नंबर है 4, 4 3 12, ये आ गया 35 का स्क्वायर। अभी लेते हैं ज़रा बड़ा नंबर, 5 का स्क्वायर वापस 25, 7 8 56, 56 के 56, ये आ गया 75 का स्क्वायर। और एक अभी मैं आपको ट्रिक बताना चाहता हूँ, उससे होता है कि मल्टीप्लिकेशन एकदम इजी हो जाती है। मल्टीप्लिकेशन लाइक
अगर अभी कौन सा ऐसा नंबर है 27 इंटू 23, अगर आपका इसको मल्टीप्लीकेशन करना है तो एकदम सिंपल है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि लास्ट के जो नंबर है उनकी एडिशन 10 होती है, 7 + 3 = 10, 2 × आगे का नंबर 3, 2 × 3 = 6, 610। और ट्राई कर सकते हैं 47 = 43, अगर इनका मल्टीप्लाई करना है तो इनका भी दोनों का एडिशन ध्यान देखिए 10 होता है, तो 10 × 10 और 4 के आगे का नंबर 5, 4 × 5 = 20। अगर और एक नंबर लेता हूँ 36 + 34, इनका भी एडिशन देखिए 10 होता है, तो 6 + 4 = 10, इसके आगे का नंबर 3 × 4 = 12। इस ट्रिक में आपको ये ध्यान रखना है कि लास्ट के जो नंबर है ना 7 3 7 3 6 4 और भी हो सकते हैं लाइक 2 8 2 8 10 4 5 = 20, और भी लास्ट के जो नंबर है ना उनके एडिशन 10 आनी चाहिए और जो पहले नंबर है वो सेम होने चाहिए सेम। तो अभी आप ये मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक एकदम इजीली कर सकते हो। इस तरह के कुछ ट्रिक्स है जो आपके मैथ्स के एग्जाम में बहुत हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपका इस वीडियो के संबंधित कुछ सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का दबाना मत भूलिए। मैं एक नया यूट्यूबर हूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। जय हिंद, वंदे मातरम।